नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मलिन बस्ती में लोगों की भीड़ के साथ झाड़ू लगा रहे यह लोग कोई साधारण जमादार नहीं है, बल्कि योगी के दो मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो हमीरपुर शहर में सफाई अभियान चला रहे हैं। मंत्रियों को सफाई गिरी देख लोग हैरत में पड़ गए थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सफाई अभियान के बारे में बताया कि हमीरपुर जिले में उपचुनाव चल रहा है, जिसमें प्रचार के लिए कई मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, जिसके लिए आज 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मनाया जाना है। इसी की शुरुआत आज हमीरपुर जिले से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सप्तांत्र देव सिंह ने अपनी सरकार के दो मंत्रियों, परिवहन मंत्री अशोक कटारिया और खाद्य रसद मंत्री रानवेंद्र सिंह उर्फ धुन्नी सिंह के साथ झाड़ू लगाई और शहीद पार्क की धुलाई की। अपने यहाँ पर सफाई अभियान चलाया, क्या मानना है? 14 से लेकर 20 तक देश के गौरव, गरीबों के सेवक, देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर 14 से 20 तक सेवा सप्ताह पार्टी ने संकल्प लिया है और स्वच्छता अभियान भी उसी में है, ब्लड डोनेशन भी है, हेल्थ कैंप है, बाकी भी ऐसे विकलांग दिव्यांग बच्चों के लिए उनको गोद लेने की भी योजनाएं हैं। एक सप्ताह ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश के देश ने निर्णय लिया है, पूरे राज्य के अंदर चलेगा। कार्यक्रम कैसा होना चाहिए, जिससे समाज को संस्कार मिले, संगठन के कार्यकर्ताओं को संस्कार मिले। ऐसे कार्यक्रमों से तप, तपस्या और त्याग, समर्पण और बलिदान की प्रेरणा मिलती है। जब ब्लड डोनेशन करेगा, हेल्थ कैंप चेकअप गरीबों के लिए करेगा, तो ये सब कार्यक्रमों से भी कार्यकर्ता के अंदर विकास हो। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी भाई नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी जी का एक एक कदम गरीबों के सेवा के लिए है, गरीबों के सम्मान के लिए है, उनके कल्याण के लिए है। इसीलिए स्वच्छता अभियान, उसी कारण माननीय मोदी जी ने, आप देखे होंगे जो वहाँ वाल्मीकि समाज थे, जो कुंभ में लोग स्वच्छता का काम देख रहे थे, उनके चरण वंदन करके, उसको चरणों को धोकर उन्होंने पंचामृत के रूप में ग्रहण किया, यानी समाज के अंतिम व्यक्ति का भी उन्होंने इसके माध्यम से लोगों का सम्मान करते हैं, क्योंकि कोई छुआछूत नहीं है, ये सभी एक समाज के अंग हैं, सबका साथ सबका विकास के रूप में लिया जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। पार्टी का सदस्यता अभियान चला, फिर संगठन के समय चुनाव चल रहा है और संगठन के चुनाव के बाद और कार्यकर्ता के अंदर संस्कार गुण और निर्माण कैसे हो, जो राष्ट्र के प्रति समर्पण होकर गरीबों की सेवा के लिए दिन रात तत्पर रहे और गरीबों की सेवा प्लस पूरी दुनिया के अंदर भारत माँ का जय जयकार हो, और इस स्वच्छता अभियान से जो आतंकवाद है, अलगाववाद है, वह भी प्रेरणा लें, उनका भी सफाया होगा और वह भी शांति के मार्ग पर आगे बढ़ें, यही हम सब आज के दिन इसी अवसर पर हम कह सकते हैं। और सभी को स्वच्छता अभियान से, सरकार ही सब काम नहीं कर सकती है, समाज के सभी वर्गों को, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने एनजीओ हैं, जितने JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।